हेलो एवरीवन, वेलकम टू द लिविंग केमिस्ट्री। तो इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं सुपर ऑक्साइड डिसम्यूटेज। तो सुपर ऑक्साइड डिसम्यूटेज दो चीज़ें मिल रहा है, सुपर ऑक्साइड और डिसम्यूटेज। सुपर ऑक्साइड तो पता ही होगा आपको, O2 माइनस को बोलते हैं सुपर ऑक्साइड। डिसम्यूटेज बायो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में डिसम्यूटेशन मतलब होता है डिस्प्रोपोर्शनेशन मतलब क्या होता है, फूटना, छोटे छोटे भाग में टूट जाना। तो ह्यूमन बॉडी में या फिर सेल्यूलर ऑर्गन या फिर सेल्यूलर बॉडी में जो हम लोग का सुपर ऑक्साइड बनता है, कैसे बनता है, यहाँ पे ऑक्सीजन हुआ, इसका रिडक्शन हो जाता है, इलेक्ट्रॉन गेन कर लेता है, तो ये चेंज हो जाता है सुपर ऑक्साइड में। और ये जो सुपर ऑक्साइड बनता है वो टॉक्सिक इन नेचर होता है, टॉक्सिक इन नेचर होता है। तो ये सुपर ऑक्साइड डिसम्यूटेज होता है, इस सुपर ऑक्साइड को, इसको SOD भी लिखते हैं ना, सुपर ऑक्साइड डिसम्यूटेज को SOD भी लिखते हैं। ये कन्वर्ट कर देता है हाइड्रोजन पेरोक्साइड में, ठीक है, हाइड्रोजन पेरोक्साइड में ये कन्वर्ट कर देता है, और हाइड्रोजन पेरोक्साइड और ऑक्सीजन में भी, ठीक है, हाइड्रोजन पेरोक्साइड में कन्वर्ट कर देता है, ठीक है, ठीक है। तो क्या करता है, जब यहाँ से हम लोग ले लेते हैं सुपर ऑक्साइड डिसम्यूटेज, ये इसको सुपर ऑक्साइड को कन्वर्ट कर देता है H2O2 में और O2 में, तो ये क्या होता है, नॉन टॉक्सिक होता है, ठीक। ये होता है हम लोग का मेन फंक्शन सुपर ऑक्साइड डिसम्यूटेज। ये 3 टाइप्स के होते हैं, पहला होता है कॉपर जिंक सुपर ऑक्साइड डिसम्यूटेज, इसको CuZn SOD भी बोलते हैं। दूसरा होता है मैग्नीज सुपर ऑक्साइड डिसम्यूटेज MnSOD, और एक और होता है आयरन SOD, इसको FeSOD भी बोलते हैं। कॉमन होता है, अच्छा, ये जो कॉपर जिंक SOD होता है वो पाया जाता है यूकैरियोटिक सेल में, और ये बाकी के जो दो होते हैं वो पाया जाता है प्रोकैरियोटिक सेल में, ठीक है। यूकैरियोटिक के भी यहाँ पे माइटोकॉन्ड्रिया में होते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया, ये माइटोकॉन्ड्रिया में होते हैं, और ये जो बाकी के दो है वो प्रोकैरियोटिक सेल। इन तीनों सुपर ऑक्साइड डिसम्यूटेज में सबसे मेन होता है हम लोग को कॉपर जिंक SOD, इसको हम लोग बोविन SOD भी कहते हैं। इसका स्ट्रक्चर देखते हैं, ये इमिडाजोल के दो नाइट्रोजन है यहाँ पे, एक साइड जुड़ा होता है जिंक, एक साइड जुड़ा होता है कॉपर, दोनों 2+ ऑक्सीडेशन स्टेट में होते हैं। ये जुड़ा होता है 3 हिस्टिडीन और 1 H2O से, और ये ऐसे जुड़ा होता है 1 एस्पार्टेट, और 2 यहाँ पे होते हैं नाइट्रोजन हिस्टिडीन का, ये हिस्टिडीन का, ये हिस्टिडीन का, ये एस्पार्टेट का, और ये हो गया एम हिस्टिडीन, और ये है हिस्टिडीन। तो अगर हम लोग इतने पार्ट का बात करें, इसका स्ट्रक्चर होता है स्क्वायर पिरामिडल, और इस वाले पार्ट का बात करें इतने पार्ट का, तो ये होता है टेट्राहेड्रल। मेन जो एक्टिव साइट होता है उसमें, ये होता है कॉपर का, यहाँ पे एक्टिव साइड जो होता है वो होता है कॉपर का, और ये जो ZN होता है वो स्टेबिलिटी देता है, ठीक है, स्टेबिलिटी देता है। यहाँ पे अगर हम लोग कॉपर, ये जो कॉपर है ये अनरिप्लेसेबल होता है, मतलब इसको कोई रिप्लेस नहीं कर पाता है, लेकिन यहीं पे Zn2+ जो है, जो कि सपोर्टिंग नेचर का है, स्टेबिलिटी देता है, वो रिप्लेस कर सकते हैं हम लोग डाइवेलेंट एटम से, जैसे कि हो गया कोबाल्ट 2+,
या फिर कैडमियम 2+, ये सब इसको रिप्लेस कर सकते हैं। मेन है हम लोग का CO2+, यही होता है हम लोग का एक्टिव साइड। तो दैट्स इसका। अच्छा यहाँ पे मॉलिकुलर मास, मॉलिकुलर मास होता है 16,000 यूनिट। ठीक है, तो दैट्स ऑल फॉर सुपर एक्साइड डिस्म्यूटेज। होप ये वीडियो आपको अच्छी लगी है। अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए, और अगर चैनल पे आप नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू।